हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम ध्वनि परिवर्तनर कौन कौन कारण रही से समस्त आलोचना करिबा। पूर्वर आम जानिथिले भाषा विज्ञान रे अर्थ परिवर्तनर केतेक कारण किपरि भावरे अर्थ परिवर्तन होइथाय से समस्त आम आलोचना करिथिले। वर्तमान आलोचना करिबा ए भाषा विज्ञान रे ध्वनि परिवर्तित हेबार कारण कौन रही तार जो एक प्रश्नवाची सृष्टि होई से संपर्क आम आलोचना करवा। विभिन्न प्रकार शारीरिक मानसिक भौगोलिक राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण रु ध्वनि परिवर्तित होता है। ध्वनि परिवर्तित होबा द्वारा कौन होता है ना गोटे भाषा गोष्ठी लाभप्रद होता। यार कारण कौन किपर भाव गोटे भाषा गोष्ठी लाभप्रद होता यार कारण जे हो द्वारा नूतन नूतन भाषा सृष्टि लाभ करता है। नूतन भाषा सृष्टि पाई जहाँ सब सहायक बा ध्वनि परिवर्तन से समस्त होती कौन ना कारण। प्रथम पॉइंट रही बाग जंत्र विभिन्नता। प्रत्येक मनिषर जो बाग जंत्र गठन रही ताधरे किछि ना किछि स्वातंत्र एवं प्रभेद रही थाए। सेथिपाई कौनसी एक ध्वनिर उच्चारण गोटिए मनुष्य ठारु अन्य मनुष्य ठारे अल्प बहुत कौन होता है भिन्न हो पारे। ए जो प्रभेद सीमित व्यक्ति परिसर और समय मध्यरे ता स्पष्ट भावरे जना पड़े ना किंतु स्थान काल पात्र जो व्यापकता रही जो प्रभेदटी ता कौन होता है स्पष्ट भाव में जना पड़ था। उच्चारण रे जो भिन्नता जो नुआ नुआ भाषार सृष्टि बोली विभिन्न भाषाविद माने तांकर मत प्रदान करिछंती। तो प्रथम पॉइंट रहला बाग जंत्र विभिन्नता। द्वितीय पॉइंट रही श्रवणेन्द्रिय विभिन्नता। माँ गर्भर कई भाषा शिखि आसी न थांती जेतबले चेतना जात हुए से चैतन्य आसीबा परे कान रे सुनी सुनी मनीष कौन करथाय धीरे धीरे भाषा को शिक्षा करथाय। बाग जंत्र परी जो श्रवणेन्द्रिय विभिन्नता को धीरे धीरे कौन होता है ना ध्वनि परिवर्तन रे ता सहायक होता है। प्रथमे किंतु ए कारणटी कौन होता है हास्यास्पद बोली समस्त मन कर पारंती किंतु एहा होची कौन सत्य। जणे जदि श्रवणेन्द्रिय भ्रम जोगु शब्दटीर भूल उच्चारण शुणे तेबे से कहिला बेले कौन कहिबो से भ्रांत शब्दटीकु ही से उच्चारण करिबो। यदि आम उदाहरण देखिबा केही जदि चाउल शब्दटीकु चाउर भावरे शुणे तेबे से शब्द को कौन कहिबो शब्द को उच्चारण कला बेले चाउर बोली से उच्चारण करिबो जहाँफलरे कौन हेछि नै जो भ्रांत शब्दटीर भाषा रे प्रचलित हो जाइछि। भाव में कटक को कुटाक ब्रह्मपुर को ब्रह्मपुर ओडगाँ को ओरगाँव आसिका को आस्का यह भाव में परिणत हो जाइछि। नेक्स्ट पॉइंट कौन रही ना अनुकरणर अपूर्णता। अनुकरणर अपूर्णतार किपर भाव ध्वनिर परिवर्तन घटे ना जणे व्यक्ति अन्य ठारु जेतबेले सुनी भाषा को अनुकरण करे ऑटो जेस्परसन को मतरे भाषा हेउछि अनुकरणर परिपक्व फल। ऑटो जेस्परसन से तांको मत प्रदान करी कहिछंती जे भाषा हेउछि अनुकरणर परिपक्व फल। जणे व्यक्ति जदि पूर्ण रूप से अनुकरण को करि न पारे ताहले कौन हेथाय ना ताठरु जो भाषा को शिक्षा करथिबा व्यक्ति ता अपूर्ण अनुकरण ही शिक्षा करथाय। जदि आमे कहबा गोटी शब्द होउछि इंग्राजी इंजेक्शन ए इंग्राजी शब्द को जणे व्यक्ति जदि पूर्ण भाव रे अनुकरण करि न पारि कि से व्यक्तिटी कौन उच्चारण करिवो ना इंजक्शन इंजेक्शन शब्द को सी उच्चारण करिछि कोन इंजक्शन
भोजपुरी भाषार वकिल मानक कनेक्शन शब्द टी शुणी महकिल मैंने कौन करते अनुकरण करने को चेष्टा करती किंतु से अनुकरण कर नपारी कनस्कन बोली से माने कही था। एपरि भावे अनुकरण जो अपूर्णता जहाँफल कि ध्वनि परिवर्तन घटी। नेक्स्ट पॉइंट हूँ अज्ञता बा अशिक्षा। अपरिचित गोटे विदेशी शब्द अशिक्षा बा अज्ञता वशतः भूल उच्चारित होता है जहाँकि ध्वनि परिवर्तन कारण हो जाए। इंजीनियर यो बोली उच्चारण किंतु अज्ञता वशतः बा अशिक्षा से इंजीनियर अ बोली से उच्चारण कर इंजीनियर बोल के कंपाउंडर को कंपाउंडर कुंपाउंडर बोली उच्चारण कर ये हूँ कौन अज्ञता व अशिक्षा जो ध्वनि परिवर्तन परवर्ती पॉइंट रही लौकिक व्युत्पत्ति भ्रामक व्युत्पत्ति। गोटे विदेशी शब्द को शुणी अथवा देखी अनेक व्यक्ति कौन करज भाषा गोटे शब्द सहित संबंधान्वित बोली से भावनी निज भाषार जो शब्द सहित से सदृश्य कर गढ़ा को मध्य चेष्टा कर जो अक्षर एपाख से पाख होगा बेले केवे केवे नुआ रूप धारण कर लोक द्वारा एपरी एक व्युत्पत्ति कल्पित होता कौन कह जाए लौकिक व्युत्पत्ति कहुए लौकिक व्युत्पत्ति कहीं कह जाए ना लोक द्वारा एपरी एक व्युत्पत्ति कल्पित होता लौकिक व्युत्पत्ति कहुए। भ्रामक व्युत्पत्ति कहले कौन ना ध्वनि साम्य जो शब्द को अन्य अर्थ रे ग्रहण करने फल भ्रम देखा जाए था। भ्रामकर अर्थ कौन ना भ्रम उत्पादक जोबले ध्वनि साम्य जो शब्द को अन्य अर्थ रे ग्रहण करने फल जो भ्रम देखा जाए तेणु यार नाम रखा जाए भ्रामक व्युत्पत्ति। लाइब्रेरी गोटे शब्द हूँ लाइब्रेरी तार उच्चारण कौन रही ना रायबरेली हीराकुद को हीराकुंड आठ कॉलेज को आठ कॉलेज हु कम्स देयर हुकुम सदर यहीपरी भाव कौन रही ना तार ध्वनि परिवर्तन घटी। नेक्स्ट पॉइंट हूँ द्रुत कथन। द्रुत कथन द्वारा किपर भाव ध्वनि परिवर्तन देखा जाए ना उच्चारण जितेबले द्रुत हुए से द्वारा कौन होता है ना ध्वनि परिवर्तन घटी था। भ्रातृजाया उच्चारण द्रुत पाई कौन परिवर्तन हो जाए ना भाउज रूप में परिणत हो जाए। पंडित जी पंडित जी केवल द्रुत कथन व उच्चारण द्रुत हेबारु यह ध्वनि परिवर्तन देखा दे। थैंक यू थांकू महाशय महाशे पान बीड़ी सिगारेट पाणु मिश्रे किए ये जो कथाटी पंडित गोदावरीश मिश्रंकर एक गल्पर जना जाए था। स्टेशन ने फेरीवालांकर जो पान बीड़ी सिगारेट डाकर जो द्रुत उच्चारण फल पाणु मिश्रे नाम जड़े व्यक्ति कही पाणु मिश्रे किए डाकि सन्देह पड़ते से पान बीड़ी सिगरेट पाणु मिश्रे किए कौन उच्चारण द्रुत कथन पर ध्वनि परिवर्तन देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट रही प्रयत्न लाघव। प्रयत्न लाघव यह हूँ ध्वनि परिवर्तन एक विशिष्ट व मुख्य कारण। वक्ता जितेबले अधिक आयास पाई कौन होता है परांगमुख हुए उद्यम करवसाय करें जहाँफल कि से कष्टचारित जो शब्द टी भांगी से सरल कर दिए बा कौन से ध्वनि को से छाड़ी दे थाए तार जो उद्यम से उद्यम द्वारा ध्वनि परिवर्तन घटला। भक्त भकत धर्म धम्म बा धाम मकुट मऊड़ कौन है ना वक्ता से जो कष्टचारित शब्द को भांगी दे अति सरल कर दे अथवा कौन से ध्वनि को से छाड़ी दे। नाइफ
आम या उच्चारण करूचे नाइफ पूर्व कि कौन उच्चारण होता नाइफ भाव ना ना बोली नाइफ भाव उच्चारण होता टक पूर्वर यहाँ टलक भाव उच्चारण होता से भाव देखिले नो पूर्वर यहाँ नो भाव उच्चारित होता ये हूँ कौन ना प्रयत्न लाघव जो ध्वनि परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट रही भावुकता भावुकता किपर भाव ध्वनि को परिवर्तित करथाय ना भाव प्रवणता जहाँ कि ध्वनि परिवर्तन रे दायी विशेषत देखा गले लोक प्रचलित व्यक्तिवाचक विशेष यह कारण ध्वनि परिवर्तन कारण साधि था विद्याधर जनक ना को से माने किपर लागि थांती लोक प्रचलित जो व्यक्ति माने विद्याधर को न कह कि विद्या विदेई विद कुमुदिनी को कुम कई राम को रामु ये हूँ कौन ना भाव प्रवणता लोक मानकर जो भाव प्रवणता रही ध्वनि परिवर्तन देखा जाउछि। नेक्स्ट पॉइंट रही मनरु गढ़ी कहिबा मनरु गढ़ी एक निर्दिष्ट ध्वनि ता स्थान रे आउ एक ध्वनि को व्यवहार करिबा फल रे कोन हेथाय ता क्रमे से ध्वनिटी लोप पाइकि तार ए रूप को धारण करिनेथाय बस स्थायी होइ जाइथाय। हिंदी भाषा रे देखिबा को गले अनेक शुभेच्छु स्थान रे शुभेक्षु बोली कोन कहिथांती कहिथां उच्चारण करिथांती छात्र स्थान रे छात्र भाई स्थान रे भैया ये होची कोन ना मनरु गढ़ी कहिबा जहाँ फल रे कि जो पूर्व ध्वनिटी रहिची से पूर्व ध्वनिटी जगार ये जो नूतन एक ध्वनि ता स्थान रे कोन हो जाउची स्थायी बोली रही जाउची। नेक्स्ट पॉइंट हूँ अन्य भाषार प्रभाव कौन सी राष्ट्र जाति बा संघ अन्य कौन सी राष्ट्र जाति बा संघर संस्पर्शे आसिले ये जो विचार विनिमय संगे संगे ध्वनि कौन थाए विनिमय देखा दे थाए आर्य जाति जितेबाला द्राविड़ जातिर संस्पर्शे आसवा फल कौन है द्राविड़ जो ध्वनि रही ट ठ ड ढ ण आर्य भाषा संस्कृत रु यह आसी रही कौन अन्य भाषार प्रभाव में ध्वनि परिवर्तन घटी थाए। परवर्ती पॉइंट रही भौगोलिक प्रभाव भौगोलिक प्रभाव मध्य ध्वनि परिवर्तन पाई दाय भौगोलिक प्रभाव जितेबाला सर्ववादी सम्मत न हेले ग्रीष्म और शैत्य ये बाग जंत्र उपरे प्रभाव पकाउथिबारु ध्वनि रे परिवर्तन देखा जिबा यहाँ कौन ना यहाँ स्वाभाविक प्रामाणिक ओडिया भाषार बिवृति ध्वनि उत्तरी ओडिया भाषा रे समृद्ध ध्वनि रे परिणत होइछि भोक भूक सोइबा सुइबा जोड़े जुड़े एहिपरि भाव रे भौगोलिक प्रभाव जोगु ध्वनि रे परिवर्तन घटिछि। नेक्स्ट पॉइंट हूँ सामाजिक और राजनैतिक अवस्था समाज अवस्था जदि शोकाच्छन्न थाए से समाज भाषार ध्वनि कौन हो जाए गुप्त हो जाए बा आच्छादित मध्य हो जाए जदि समाज कौन करे विभवशाली थाए तेबे तार भाषार ध्वनि क्रमशः कौन होता है प्रसारित हो जाए कौन कहगला जदि समाज अवस्था शोकाच्छन्न हुए ताहले तार भाषार ध्वनि गुप्त हो जदि समाज विभवशाली थाए तेबे तार भाषार ध्वनि कौन हो प्रसारित हो उन्मुक्त हो पुणी जदि सुख शांतिमय समय ध्वनि नुआ नुआ गठन जो करने को एक विलास बोली लोक मैंने कौन कर भाभी था जहाद्वारा कि सामाजिक राजनीतिक अवस्था हूँ ध्वनि परिवर्तन एक कारण। नेक्स्ट पॉइंट हूँ लिपि दोष कौन सी भाषार जो खोदित लिपि रही जदि ध्वनि को भूल भाव रूप दे था ताहले मध्य परवर्ती काल रे तार प्रभाव पड़ी था संस्कृतर सरदी ये सरदी शब्द को ओडिया शिलालेख रे श्राही भाव रे सरदी शब्द को
ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସ୍ରାହି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ କାଳକ୍ରମେ ସ୍ରାହି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ଲିପି ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠିତ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଉ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେପରି ଭାବରେ ଗୁପ୍ତକୁ ଗୁପ୍ତା, ମିତ୍ର ମିତ୍ରା, ସହସ୍ର ସହସ୍ର। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଲିପି ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ବା ଲଘୁକରଣ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ସଂକ୍ଷେପରେ ବା ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଉପାଧ୍ୟାୟକୁ ଓଝା କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସଂକ୍ଷେପୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠା ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଭାରୋପୀୟ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ୟୁଏସ୍ଏ ଠାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତିକରଣ ବା ଲଘୁକରଣ ଯୋଗୁଁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଳହୀନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆଧିକ୍ୟ। ବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସବଳ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। କ ଚ ଟ ତ ପ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି ସବଳ। ଅନୁନାସିକ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁର୍ବଳ। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ ସେହି ଭାଷାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ଫରାସୀ ବିଦ୍ୱାନ ଜେ ଭେଣ୍ଡ୍ରିସ୍ଙ୍କ ମତ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ସବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଏପରି ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ସବଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଏପରି ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଅନେକ ଭାଷାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେତେକ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ଣ ନ ମ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲେ ଧ୍ୱନିରେ ଅନୁନାସିକତା, ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ନିକଟରେ ଣ ନ ମ ଇତ୍ୟାଦି ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲେ ଧ୍ୱନିରେ ଅନୁନାସିକତା ବା ନାସିକତା ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁନାସିକତା ବା ନାସିକ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନାସିକୀ ଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହସିବା, ହସିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ହସିବା। ଘାସକୁ ଘାସ, ଯୋଗୁ ଯୋଗୁ, ପିପିଲିକା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସମୀପରେ ରୁ ର ଫଳା ରେଫ, ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ ତାଲବ୍ୟସ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଥିଲେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧ୍ୱନି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହି ବ୍ୟାପାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ମୂର୍ଦ୍ଧନି ଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପତିତ ପଡ଼ିଆ, ଉଦ୍ଦିନ ଉଡ଼ିନ, କୁକୁଟକ କୁକୁଡ଼ା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନି ଭବନ ତାର ଉଦାହରଣ। ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କବିତାରେ ମାତ୍ରା ବା କୋମଳତା ଆନୟନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କବିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶବ୍ଦକୁ କୋମଳ ତଥା ସୁଶ୍ରାବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ, ରାଜା ସରି ରାଜ୍ୟ ରାଇଜ, ବାଦ୍ୟ ବାଇଦ, ଦୁର୍ବଳ ଦୁରୁବହ, ବୀର ବୀରା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଳାଘାତ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଅଧିକ ବଳାଘାତ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୱନିର ଲୋପ ହୋଇଯାଏ,
ଅଭ୍ୟନ୍ତର ତାହା ଭିତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାନ୍ସ ଫିନାନ୍ସ ଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବଳାଘାତ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ତାହା ଲୋପ ଘଟିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟ। କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦର ସାଦୃଶ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତର ଦ୍ୱାଦଶ ତାର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଏକାଦଶ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏକାଦଶ, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶ ହେବା ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବା କଥା ନା ଏକଦଶ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ତା ସେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତାହା ଏକାଦଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଦେହାତ୍, ଏ ଦେହାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଦେହାତୀ, ଏ ଦେହାତୀର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସହରାତି ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ସ୍ୱର୍ଗର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନରକ ନର୍କ, ଏ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନରକ, ନରକରୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଧ୍ୱନିର ନିଜ ଭାଷାରେ ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଭାଷାଭାଷୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଧ୍ୱନି ନିଜ ଭାଷାରେ ନଥିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଥିବା ଧ୍ୱନିକୁ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଜାପାନୀ ଚୀନା ତୁର୍କୀ ଆରବିକ ପାରସିକ ଇଂରାଜୀ ଆଦି ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ କିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଧ୍ୱନି ନିଜ ଭାଷାରେ ଅଭାବର ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେହି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଥିବା ଧ୍ୱନି ନିଜ ଭାଷାରେ ନଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଅଭାବ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଟି ଆଉ ଡି, ଓଡ଼ିଆରେ ଟ ଡ ଧ୍ୱନି ପରି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଚ ଛ ପରି ତାଲବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଥବା କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଦ ପରି ଦନ୍ତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ବତ୍ସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାଟ୍ ଇଂରାଜୀରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ କ୍ୟାଟ୍। ଅଗଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଡେସ୍କ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣି ଜାଣି ବିକୃତ କରିକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଗୋଭୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତରକାରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଗୋଭୀ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋ ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ଗୋର ଅର୍ଥ ଗାଈ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗାଈକୁ ଆଘାତ କଲେ ଦୋଷ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ଗୋଭୀ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ କୋଭି ବା କୋବି ବୋଲି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଧରିବା ଅପରାଧ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନାମ ସହିତ ଧ୍ୱନି ସାମ୍ୟ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରି ବା କିଞ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିକି ନୃଷ୍ଣ ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱରକୁ ବଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ଥାନଭେଦ। ସ୍ଥାନଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତରେ ଭ୍ରାତର ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ରଦର, ସଂସ୍କୃତରେ ହେଉଛି ପିତର ଲାଟିନ୍ରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଟର ଇଂରାଜୀରେ ଫାଦର, ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନଭେଦ ପାଇଁ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି କାଳଭେଦ। କାଳଭେଦରୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଧ୍ୱନି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦୃଶ ଦେଖ ଏହି କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୋଇଛି।
ये थिला ध्वनि परिवर्तनर केतेक कारण जेउति पई ध्वनि परिवर्तन घटिछे। जदि आपण मानको आज आलोचना भल लगि थाए ताहले निश्चय लाइक करंतु। आपणको आज आलोचना किपरि लागिला निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे जणांतु। ता सहित चैनल टिकु सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करंतु जहाँ फल कि प्रति भिडियो नोटिफिकेशन आपण माने यथाशीघ्र पाई परबे। थैंक यू।